गाइस बहुत टाइम हो चुका है सेकेंड हैंड व्हीकल सेकेंड हैंड कार झारखंड धनबाद के अंदर में। आप लोग लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे, तो जब कमेंट कर रहे थे तो मैं सोचा कि चलो यार पहले आप लोगों का जो है रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। देख सकते हो कलेक्शन इस जगह का, आपको इस जगह पे लो बजट से लेकर के हंज की जो है आपको सेकेंड हैंड व्हीकल यानी कि कार आपको देखने को मिल जाती है। इस जगह पे आपको स्विफ्ट भी देखने को मिल जाएगा, एल्टो भी मिल जाएगा, ब्रेजा भी मिल जाएगा, बलेनो भी मिल जाएगा, मतलब हर तरह की व्हीकल आपको मिल जाएगी। सभी अच्छे कंडीशंस में होगी आपकी व्हीकल। सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे देख लो ऑटो कोजेंट का जो है शोरूम, और ऑटो कोजेंट के जो मेन ऑनर हैं सर एक बार हमारे ऑडियंस को हेलो कर दीजिए। हेलो ऑडियंस। और आज जो है भैया किस तरह की गाड़ियाँ, बहुत सारा रेंज है आज, बहुत सारी वराइटीज है। और जो आपने पिछले बार वीडियो बनाया था फुल्ली डिफरेंट है उससे, उसमें से एक भी गाड़ियां बची हुई नहीं है, सब निकल चुकी है। और फिर बीच में दो तीन लॉट आया, सब निकल गया। अभी जो होगा एक नए फ्लेवर में, एक नए रूप में नई नई गाड़ियां, और ज़्यादातर जो है हाई रेंज और हाई मॉडल और ऊंचा मॉडल का गाड़ी कम बजट में हम लोग के पास यहाँ पर अवेलेबल है। और सभी गाड़ी लगभग फर्स्ट ओनर गाड़ी। तो आज का जो है मतलब आपके पास जो आज सेगमेंट है, थोड़ा सा सेगमेंट दिखाइए इस जगह पे किस किस तरह की गाड़ी है। यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको नेक्सॉन भी देखने को मिलेगा, ब्रेजा भी मिलेगा, योन भी मिलेगा, डिजायर भी मिलेगा, और एल्टो तक भी मिलेगा, साथ में स्कॉर्पियो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है हर तरह की जो है सेकेंड हैंड व्हीकल सेकेंड हैंड कार झारखंड धनबाद के अंदर में आज आपको देखने को मिलने वाला है। इस जगह का एड्रेस वगैरह सब कुछ वीडियो में बताएगा, वीडियो में पूरा देखना। और आज भैया सबसे मिनिमम जो रेंज है आज क्या है? आज मिनिमम रेंज 160 का आएगा हमारा, 1,60,000 में स्टार्ट है आज व्हीकल। सो गाइज ज़्यादा देर नहीं करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और कहाँ से शुरू करेंगे भैया आज? मिनिमम रेंज से ही आज शुरू करते हैं। आज मिनिमम रेंज से ही शुरू करते हैं। सो गाइज आज हम लोग मिनिमम रेंज से ही शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ना पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि ये जो धूप देख रहे हो, धूप में हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। तो यार इसी बात पर एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारा जो है मोरल अप रहे। तो गाइज यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने रेड्स भी देखने को मिल रहा है, ब्लैक वाला। इसके अलावा हुंडई का है, सिल्वर का आई-10 है। हाँ। ये टॉप मॉडल की आई-10 है। हाँ। आई-10 स्पॉट है। हाँ। और आई-10 स्पॉट है, इंटीरियर पूरा ही उसका एकदम ओके है, एक्सटीरियर इंजन मैकेनिकल सभी चीज इसका एकदम ओके है गाड़ी का। ओके। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी, 2010 की गाड़ी है। इंटीरियर तो एकदम से ओके है, टायर वगैरह की कंडीशन जो है आप लोगों के सामने है, जो भी है स्क्रैच के मामले में अगर स्क्रैचलेस गाड़ी है, फुल ओरिजिनल गाड़ी है, फुल ओरिजिनल है, रिपेंट एक भी नहीं है, एक भी टच अप इसमें नहीं। ये कहाँ की व्हीकल है? ये बोकारो नंबर की गाड़ी है, फर्स्ट ओनरशिप। कब की मॉडल? ये 2010 की लास्ट की मॉडल है। 2010 लास्ट। क्या है इसका? इसका आस्किंग प्राइस है 160। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल वगैरह देखेंगे, लेकिन मार्जिन ऐसा नहीं है जिसमें नेगोशिएबल किया जा सके, मतलब फिर भी ये लास्ट आपने फाइनल बता दिया है ना? फाइनली बता दिया। ये गाइस देखा यहाँ पे जो है रिड्स जो अब ये ब्लैक कलर की रिच है। हाँ। ये 2011 दिसंबर की है, चारों टायर नया है इसमें। अच्छा। सब चीज ओके है गाड़ी का, इंटीरियर एक्सटीरियर सभी अच्छी है। VDI है, VDI मॉडल, डीजल की गाड़ी है, डीजल अभी आती नहीं है ना। और इस गाड़ी में एक भी काम नहीं है, ओके, फुल्ली फिट गाड़ी है। हाँ। इसका हमारा आस्किंग प्राइस 210 है, 2,10,000, ओनली 2,10,000 मात्र। गाइस यहाँ पे जो है 2,10,000 में आपको रेट्स देखने को मिल जा रहा है। देख लो यहाँ पे अभी हमने आपको सिर्फ दो ही व्हीकल दिखाया, अभी देखो कितना सारा व्हीकल अभी दिखाना बाकी है, जितना भी दिख रहा है ना सब मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। तो अभी आप लोग इसमें ये i20 गाड़ी है, i10 स्पॉट गाड़ी है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि ये शोरूम का ही टायर लगा हुआ है, शोरूम का ही सब कुछ ओरिजिनल है। ये सिर्फ 19,000 किलोमीटर चला हुआ, रांची के ऑफिसर की गाड़ी थी। अच्छा। वो बेच के वहाँ से ट्रांसफर हो गए, ठीक है, नंबर भी उन्होंने नया लिया था रांची का। अच्छा। ना गाड़ी जो है वो सिर्फ 19,000 किलोमीटर चला हुआ है, गाड़ी इंटीरियर एक्सटीरियर सब जो है ना ओके है गाड़ी में।
अच्छा, गाड़ी में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप मॉडल गाड़ी। टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है ना, टॉप मॉडल। डीजल है पेट्रोल है? ये डीजल गाड़ी है। डीजल है ये? डीजल। क्या है इसका आस्किंग? इसका आस्किंग हमारा 270, दो लाख सत्तर हजार मात्र। 270,000 में प्राइस जो है, आप लोग एक एक करके जो है पूरे डिटेल्स में व्हीकल को दिखा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्स दिखाने का मतलब यही होता है कि आप लोग बहुत दूर से आते हो, और दूर से जब आते हो तो पूरे वीडियो को देखो ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनता है, बट स्टिल आप लोग के लिए ही बनता है वीडियो। यहाँ पे देखिए गाइज है, एक है स्विफ्ट डिजायर है ना ये, और फोन नंबर है। पूरा जानकारी गाड़ी का ले लीजिए, व्हाट्सअप करके जो फोटो भी ले लीजिए, उसके बाद सभी चीज़ जानकारी के बाद आइए। हाँ ठीक है, तो ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना पड़े। ये कौन सी गाड़ी है? ये स्विफ्ट डिजायर है। अच्छा। वीडीआई है, डीजल है, 2015 की मॉडल है। हाँ। और इसका हमने रेट रखा है 445। आपके यहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटीज? फाइनेंस पार्टी जिस कंपनी से बोलता है फाइनेंस के लिए, हम लोग उसी को बुला करके उसी से फाइनेंस करा देते हैं, अपनी इच्छा से भी नहीं कंपनी को चूज करते हैं। नेगोशिएबल भी हो जाएगा? नेगोशिएबल भी हो जाएगा। ऑफर वगैरह के लिए कुछ है? ऑफर वगैरह अभी जो है नाम भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और जो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है उसका हम लोग एक साल का इंश्योरेंस भी बना करके इस ऑफर में, मतलब आप इसमें यहाँ पे जो है फिलहाल जो है गाइस ऑफर में आपको नाम ट्रांसफर का कोई पैसा नहीं लगने वाला है, और साथ में इंश्योरेंस आपको एक साल का मिल जाएगा। तो चलिए आपको हम इंटीरियर दिखाते हैं व्हीकल का, और ये देखिए इसकी जो है टायर की कंडीशंस वगैरह सब ओके कंडीशन है, और इस जगह पे चारों टायर एक जैसा ही बिल्कुल दिख रहा है। स्क्रैच के नाम पे अगर देखा जाए ना गाइस, देखो यहाँ पे प्रोफाइल देखो, एकदम से स्क्रैच नहीं है। वाइट कलर आप लोगों का जो है हमेशा से फेवरेट रहा है। और ये देखिए इंटीरियर, इंटीरियर देखिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं, कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा आपको। कितना किलोमीटर चला हुआ है सर ये? 69,000। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है आपके सामने है अल्टो, जिसका टायर आप लोग देखो, टायर एकदम से नया टायर लगाया है क्या इसमें? हाँ नया टायर है। अच्छा अच्छा, तो गाइज यहाँ देखिए इसका आपको एल्टो का इंटीरियर दिखाएंगे। इससे पहले आप देखो इसका बैक प्रोफाइल, ये LXi मॉडल है, पेट्रोल गाड़ी है, रांची नंबर की कार है ये। चलिए इसका इंटीरियर कुछ चेक कराते हैं। तो ये देखिए गाइज इस जगह पे इंटीरियर, ये 2015 की गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी फुल्ली कंप्लीट है। हाँ हाँ, गाड़ी ओरिजिनल पेंट में सब है। हाँ, गाड़ी 60,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, लेकिन गाड़ी टाइट है अंदर। गाड़ी टाइट है, फर्स्ट ओनर। कितना इसका आस्किंग सर? इसका आस्किंग हमारा है 235। 235। हाँ, 15 की लास्ट की गाड़ी है। अच्छा अच्छा, 235,000 में यहाँ पे आपके सामने अल्टो देखने को मिल रहा है। चारों टायर इसका एकदम नया है, चारों टायर बिल्कुल नया है, मतलब टायर में कोई काम नहीं करना, एक किलोमीटर भी नहीं चला हुआ। और ये कौन सी है? ये स्विफ्ट है, डिजायर ZDI है। ZDI स्विफ्ट 2012 की मॉडल है, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है। इंटीरियर एक्सटीरियर मैकेनिकल सभी अच्छी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। और इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 295 विदाउट नेगोशिएशन। कितना किलोमीटर चला हुआ है सर ये? ये 71,000 किलोमीटर, 71,000 चली हुई है। डीजल मॉडल है ना? डीजल, डीजल मॉडल है तो नॉर्मल होता है, 70 और 80 तो नॉर्मल होता है। और ये गाइस देखिए एक और है ग्लिसनिंग ग्रे, मतलब ब्लैक वाला, और वहाँ पे आपको मैंने व्हाइट वाला दिखाया था, एक ये वाला। ये 2019 की है। अच्छा, ये प्लेन स्विफ्ट है ना? स्विफ्ट VDI है। अच्छा, और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सब ओके है। अच्छा ठीक है, ये 40,000 किलोमीटर चली हुई है, 40,000 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है, मात्र 40,000। अच्छा, और इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 560, 5 लाख। हाँ, 2019 की मॉडल है। अच्छा अच्छा, सो गाइस देख लीजिए यहाँ पे जो है डैशबोर्ड वगैरह सब देख लीजिए, सबका अंदर इंटीरियर जो होता है सबका बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। और आपको एक्सटीरियर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जो एक्सटीरियर आप देखोगे तो इसमें जो है गाइस कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। टायर वगैरह की कंडीशन भी ओके कंडीशन है। और रेट तो आपको क्या सर, रेट क्या बताया इसका? 565 है रेट, उसमें देख ले देंगे कुछ जगह होगा। 5 लाख 5.65 रेट है उसमें। अच्छा, नेगोशिएबल होगा। सो गाइस यहाँ पे एक और है, ये कौन सी स्विफ्ट ही है? तो ये डिजायर है, 19 की मॉडल है, 19 मॉडल डिजायर, 2019 की मॉडल है डिजायर। और इसका जो है टायर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चारों टायर एकदम ओरिजिनल है, सब नया टायर है। अच्छा अच्छा, चारों टायर नया है, चारों टायर नया है। सो गाइस यहाँ देखिए इंटीरियर, इंटीरियर बहुत ही कमाल है। और ये 32,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली हुई है, मात्र 32,000 किलोमीटर। की गाड़ी है ये? रांची की गाड़ी है। अच्छा, और VDI डीजल गाड़ी है। अच्छा, इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 6,35,000। सो गाइस वीडियो अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है,
क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही दिखाया है और ये सब दिखा दिए ना अभी। नहीं नहीं ये नहीं दिखा, ये भी इधर भी है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक वैगन ये भी हमारा 17 की गाड़ी है। हाँ VDI है, ये डिजायर रांची नंबर है। सो गाइस यहाँ देखिए इसका इंटीरियर, तो इंटीरियर कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कंडीशन है। सीट वीट में भी कोई काम नहीं कराना होगा, इंटीरियर वैसे सबका अच्छा होगा। एसी वैसी सब वर्किंग कंडीशन है, एकदम ओके है, ऑल इज वेल है। अच्छा अच्छा ना, क्या इसका इस गाड़ी का रेट हमारा है 5,35,000 रुपया फिक्स। 5,35,000 फिक्स, मतलब इसमें 2017 नहीं नेगोशिएशन नहीं, इसमें आप करा के दीजिएगा इंश्योरेंस। हाँ हाँ इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन हो हमारे तरफ से, आपके तरफ से। सो गाइस यहाँ देखिए डिजायर एक और है, ये 2020 दिसंबर की गाड़ी है। 20 दिसंबर इतनी नई गाड़ी है? हाँ सिर्फ माने 2023 दिसंबर की गाड़ी है, वो जो लास्ट टाइम में दिसंबर में जो मिलता है। ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है। अच्छा अच्छा VXI है। और चूंकि डीजल इस समय में 2020 दिसंबर में बंद हो चुका है कंपनी से, ये पेट्रोल मतलब पेट्रोल गाड़ी है। मात्र 23,000 किलोमीटर चला हुआ, मात्र 23,000 किलोमीटर चला हुआ है। सभी चीज इसका ओरिजिनल है फुल्ली। अच्छा, यहाँ अच्छा। तक फीता जो लगा वो भी मारुति का अपना, अभी भी उखड़ा नहीं है। सो गाइज यहाँ पे जो है मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, बिल्कुल नई गाड़ी का। 23,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, मात्र 23,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। सब ओरिजिनल है, टोटली फुल्ली ओरिजिनल है ये गाड़ी। इतना नया गाड़ी है, इतना नया गाड़ी है। अच्छा क्या इसका सब इंटीरियर वगैरह सब ओके है इसका? टायर तो यूज, टायर सब वैसे ही है, सब ओरिजिनल कंपनी वाला है। ठीक है, और इसकी हमारी आस्किंग प्राइस है 675। 675 है, 6 लाख से इसका अगर शोरूम से आके अगर इसको परचेज करते तो क्या पड़ेगा इसका? अभी अप्रोक्स 9 लाख पड़ेगा। आप इसको मतलब डायरेक्ट आपके यहाँ आएगा तो 2 लाख का तो बचत, 3 लाख का बचत, 2 लाख प्लस बचत होगा, 2 लाख से ज्यादा बचत, मतलब एकदम से नई गाड़ी। सो गाइज यहाँ पे एक और है यॉन, ये देखो, और ये है हुंडई की व्हीकल। तो छोटी गाड़ियों के लिए जो है लोग पसंद करते हैं, तो इस तरह से जो है व्हीकल दिखने में आपको लग रही है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है ये। वो खोल के अंदर चलिए मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, ये देखिए 2018 की गाड़ी है। अच्छा फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? ये 260 रेट है इसका, 260 किलोमीटर है इसका, 38,000 38,000 किलोमीटर। अच्छा अच्छा आस्किंग क्या बताया आपने? 2,60,000 मॉडल कब का है? मॉडल 2018 की है, 18 मॉडल 2,60,000 में। गाइस आप एक्चुअली गाड़ी ये 2017 में खरीदी हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका जो 2018 में। तो गाइस अभी जो है एक और मैं अभी दिखाने वाला हूँ वैगनर अभी और भी दिखाऊंगा, अल्टो भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये वैगनर। तो ये वैगनर जो है वैगनर सबसे अच्छी है। ये वैगनर मात्र जो है 26,000 किलोमीटर चली हुई है, मात्र 26,000 ओनली चली हुई है। इंटीरियर गाड़ी एकदम ओके है, इंटीरियर भी इसका ओके है। अच्छा ना, मॉडल 2010 की है, लेकिन गाड़ी जो है पूरी तरह से फिट है, चली हुई कम है, चली हुई बहुत। LXI मॉडल है ना? LXI मॉडल है, LXI। और ये पेट्रोल गाड़ी है, और इसका क्या माइलेज वगैरह मिल रहा है? इसका माइलेज 18 के आसपास है, 18 के आसपास मिल जाएगा एसी ऑन करके। एसी ऑन करके तो गाइज इसका देख लीजिए, क्या इसका डील सर? इसका डील हमारा 2,15 का है, 2,15,000। मॉडल कब का? मॉडल 2010 की है, 10 मॉडल 2,15,000। थोड़ा नेगोशिएबल ये क्रेटा है। अच्छा ये नेगोशिएबल होगा कि नहीं? थोड़ा बहुत है। और इंश्योरेंस वगैरह सब करके देगा, सब करके। तो यहाँ पे गाइज आपको ऑफर में दे दिया है, तो फिर यहाँ पे जो है गाइज देख लीजिए, ये है क्रेटा, ये क्रेटा गाड़ी है, समझ सकते हो, ये सबसे टॉप मॉडल की गाड़ी है। अच्छा 1.6 है, SX मॉडल है, 1.6 ओके, 1.4 नहीं है, 1.6 है, और उसमें भी SX है। अच्छा अच्छा तो ये गाड़ी फुल्ली फिट है, कब की मॉडल है ये? डीजल गाड़ी है ये। अच्छा 2018 की गाड़ी है, वो भी 18 लास्ट की गाड़ी है। इसका हमने रेट रखा 8,15,000। इसका शोरूम प्राइस क्या है? शोरूम प्राइस अप्रोक्स 14 लाख से ऊपर है। चलो तो यहाँ पे भी आप काफ़ी बचत करवा रहे हैं। हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचत जा रही है। ठीक है, हाँ 8,15,000 में भी कुछ नेगोशिएशन कर दें, हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। ये बैलेनो गाड़ी है, 2018 की गाड़ी है। अच्छा ठीक है, ये भी गाड़ी फुल फिट है। हाँ हाँ इसका हमारा आस्किंग प्राइस है, इंटीरियर गाइस देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ टायर वगैरह की कंडीशन, तो टायर देख लो आप लोग, मतलब टायर इंजन सब कुछ आपको रनिंग अच्छा है, कंडीशन में है। और आपको फ़िलहाल
भैया ये सब जो गाड़ी अगर कोई ले जाते हैं तो कुछ माइनर सा खर्चा वर्चा तो नहीं है ना? एक रुपया भी इसका खर्चा नहीं होगा। अगर उनको लगता है यहाँ पर कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्लियर कर करके देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है ही नहीं गाड़ी में। प्रॉब्लम है ही नहीं, ले जाने के बाद भी 2-3 साल 4 साल कोई माने रनिंग काम भी नहीं आएगा। क्या इसका आस्किंग क्या है? चूंकि सब सर्विसिंग किया हुआ रहता है गाड़ी। ये बलेनो तो पेट्रोल है ना? ये पेट्रोल गाड़ी है और इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 560। 5,60,000 नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। तो गाइज यहाँ देखिए आपको मैं अभी अल्टो और यहाँ पे वैगनर दिखाऊंगा और इसके बाद जो है आपको दिखाऊंगा ये अल्टो है, व्हीकल और भी है तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। अल्टो K10 है। अच्छा, 2016 की अल्टो K10 है और इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 2,45,000। 2,45,000 गाड़ी मॉडल अंदर से, ये 16 की मॉडल है। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा कंडीशन है इसका। गाड़ी 16 की मॉडल है, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है। हाँ हाँ ठीक है। टायर वगैरह की कंडीशन, टायर वगैरह सब ओके है। ओके है, अभी चलने वाला है, अभी 5 साल तो आराम से चलेगा। तो इसका क्या है आस्किंग सर? इसका आस्किंग हमारा है 2,45,000। मॉडल कब का है? 2016 मॉडल। सो गाइस देख लीजिए, अल्टो अगर आपको लेना हो तो अल्टो ये देख सकते हो। इसका बैक प्रोफाइल भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से जैसे इसका बैकग्राउंड है। ये अल्टो K10 है, समझ सकते हो, और रेट भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये वैगन आर है, VXI मॉडल है, VXI है, 2013 का वैगन आर है। हाँ। चारों टायर इसमें नया है। हाँ। गाड़ी फुल फिट है, स्क्रैचलेस है। स्क्रैच था तो कुछ उसको स्क्रैच हटा दिया गया है। अच्छा, फुल्ली स्क्रैचलेस है। इंटीरियर तो गाइस देख लीजिए आप लोग, इसका लगेगा आपको आस्किंग प्राइस हमारा है 245। कुछ नेगोशिएशन कर देंगे, कुछ नेगोशिएबल कर देंगे। मॉडल कब का बताया? इंश्योरेंस ट्रांसफर सब कर करके मिलेगा। अच्छा, इसका मॉडल 2013 का लास्ट, 2013 मॉडल। हाँ, तो गाइस देख लीजिए 2,45,000, 2,45,000, 2,45,000 थोड़ा नेगोशिएबल ही हो जाएगा ना। हाँ। तो गाइस अभी जो है वीडियो खत्म नहीं हुआ है और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कौन सी व्हीकल है। तो ये कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी बैलेनो है और ये अभी अभी आई है। ठीक है, ये सिर्फ 3,300 किलोमीटर चला हुआ है। गाड़ी बिल्कुल नई है, इसको आप इंटीरियर भी देख सकते हैं, एक्सटीरियर भी देख सकते हैं। इस गाड़ी का अभी तक चिमकी नहीं उजड़ा है ना। टोटल गाड़ी जो है 3,000 किलोमीटर चली हुई, एयरफोर्स का गाड़ी है ये। और इसका स्टेपनी भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नई मिलेगी अभी, चूँकि गाड़ी चला ही नहीं है ना। सारा चीज़ इसमें नई है अभी। मॉडल 2019 की है। क्या इसका आसिंग? इसका आसिंग प्राइस हमने रखा है 645। और नेगोशिएबल वगैरह? माइनर नेगोशिएबल हो जाएगा, लेकिन गाड़ी जिसको नई लेना है, मॉडल कब का है? 2019 है, लेकिन जिसको नया लेना उधर नहीं जाए, सीधे इधर ही आ जाए। कितना किलोमीटर चला हुआ है? सिर्फ 3,300। पेट्रोल है कि डीजल? पेट्रोल गाड़ी है। तो ये फर्स्ट ओनर पेट्रोल गाड़ी है और 22 प्लस एवरेज चल रहा है इसका। अच्छा अच्छा, एवरेज जो माइलेज है इसका, तेल वगैरह हो जाएगा ना? सभी चीज हो जाएगा इसमें। सो गाइस यहां देख लीजिए टायर कंडीशन वगैरह सब ओके कंडीशन है, बहुत ही कम चली हुई है, यहां से समझ में आ ही रहा है। ये टाटा के नेक्सॉन, अभी इसका डिमांड चल रहा है, ये गाड़ी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर सब ओरिजिनल है। हाँ। इसमें बैठ करके गाड़ी को अंदर भी देखें, सब टायर नया है। हाँ। इसमें और गाइस यहाँ देखिए इंटीरियर इसका, तो ये जो है बहुत ऑन डिमांड व्हीकल है और बहुत ही बेहतरीन जो है इसका इंटीरियर होता है और एक्सटीरियर जो है काफी कमाल लगता है। इसका बॉडी वगैरह देख लीजिए, इसका स्क्रैचलेस है ना? ये स्क्रैचलेस है पूरा। इसका ये कोई स्क्रैच है ही नहीं इसको, एकदम मात्र इसका अभी 32,000 किलोमीटर चला हुआ, 32,000 किलोमीटर चला हुआ है। अच्छा, और गाड़ी एकदम फुल फिट है, कहीं से एक जरा सा भी काम क्या है, आवाज नहीं है। न्यू ना न्यू है गाड़ी, न्यू है। कितना मॉडल है ये? मॉडल है 2018 की लास्ट की मॉडल है। अच्छा, इसका 685 फिक्स रेट, फिक्स रेट। हाँ, 685। 685 बहुत माइनर नेगोशिएशन। ये तो ब्रेजा है ना? हाँ, ये ब्रेजा है। अच्छा, तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे ब्रेजा और इसका ये 16 की ब्रेजा है, हाई कोर्ट के वकील की गाड़ी है ये। अच्छा, तो ये कितना किलोमीटर चला हुआ है? 51,344 किलोमीटर चला हुआ है। 51,324 किलोमीटर चला हुआ है गाइस ये वाला जो है ब्रेजा। और इंटीरियर देख लो आप लोग, ZDI में भी टॉप मॉडल है। अच्छा, ZDI प्लस डबल टोन गाड़ी है। अच्छा, और चारों टायर अभी इसमें नया लगाया गया है, क्योंकि 51,000 में टायर 50,000 में बदली हो जाता है। अच्छा, इसलिए चारों टायर अभी एकदम न्यू है। अच्छा, बिल के साथ टायर है, बिल के साथ टायर, बिल के साथ टायर है। क्या है इसका डील? इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 6,70,000। डीजल है ना? डीजल।
तो गाइज देख लो 6,70,000 में नेगोशियबल है थोड़ा बहुत। हाँ नेगोशियबल नेगोशियबल है। सो गाइज अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और स्विफ्ट, जो कि डीजल है या पेट्रोल है? ये पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल सिर्फ है। तो बहुत नई गाड़ी है एकदम, और कलर बहुत ही ज्यादा यूनिक है, मतलब इसका कलर भी बहुत प्यारा कलर है, और यहाँ पे पूरी तरह से जो है डेकोरेटेड व्हीकल है, देख लो यहाँ बहुत सारी गाड़ी में हमारे जो है ना अगर नेम प्लेट नहीं रहे तो वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि नया है कि पुराना है। सही बात है ना, बहुत सारी गाड़ियां गाड़ी हम उसी तरह से लेते हैं जो गाड़ी लुकिंग वाइज न्यू लगे। सो गाइस देख लीजिए इंटीरियर, अगर लुकिंग में न्यू नहीं है तो फिर गाड़ी में मजा भी नहीं है। तो गाइस लुकिंग भी गाड़ी में आना चाहिए, क्योंकि घर ले जाने के बाद फैमिली को ऐसा लगे कि हम न्यू गाड़ी लेकर करके आए, सेकंड हैंड नहीं लेकर, फील आ जाए नया वाला। फुल इसमें फील होना चाहिए कि बैठने में भी गाड़ी में घूमने में भी नया का सभी फील अप आना चाहिए उसको, फीलिंग होना चाहिए कि हम नए गाड़ी में बैठे में। सो गाइज देख लीजिए यहाँ पे बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह से, स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम से आपको जैसा कि भैया बता रहा है कि एकदम नया वाला फील जो है आपको मिल जाए। क्या इसका डील क्या है? इसका 5,70,000 रुपया, इसका 5,70,000 नेगोशियबल हो जाएगा, नेगोशियबल। और मॉडल कब का है? और गाड़ी भी बहुत कम चली हुई है, 38,000 किलोमीटर चली हुई। मॉडल कब का है? मॉडल 2020 लास्ट का, 2020 लास्ट, मतलब इधर नया ही हुआ एक तरह से। तो गाइज यहाँ देख लो 2020 मॉडल, रेट वगैरह जो है यहाँ पे पता चली गया होगा आपको। और अभी एक बैलनो आने वाली है, आज ही आएगी, वो सिर्फ 1200 किलोमीटर चली हुई है, और उसको लाने में जितना चले एकदम सिर्फ 1200। जिनको बैलनो नया लेना है वो उधर नहीं जा करके सीधे इधर चले आए, दो तीन दिन के अंदर में वो गाड़ी मैंने आज ही आ जाएगी शाम में गाड़ी, कल से मिल ले। तो सर यहाँ पे जो है आप लोगों का जो ये जितना भी व्हीकल दिखा रहा है, तो इसका जो भी जो ऑडियंस है जो जिनको लेना हो तो वो ऑनलाइन वगैरह बुकिंग कर सकते हैं? ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, गाड़ी का पूरा प्रोफाइल चेक कर लें, यहाँ से भी गाड़ी का फोटो बनवा लें, और गाड़ी का सारा पेपर वो ऑनलाइन चेक कर लें, साथ में जो पेपर का रिक्वायरमेंट है उनको यहाँ से ले लें, उसके बाद एडवांस वो दे भी सकते हैं। अपना परफॉर्मर पूरा भेजते हैं, अपना प्रोफाइल पूरा भेजते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड, तो उनका बैंकिंग स्टेटस अगर देख करके उनको लोन है तो पहले यहीं से बिना आए हुए भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि आपका लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा। अगर फाइनेंस और लोन अप्रूव होकर के उसके बाद आकर के सीधे गाड़ी लेके चले जाए, लोन में भी आपको मिनिमम 2 or 3 days आज के डेट में लग जाएगा। सर एड्रेस क्या है? ये कुर्मिडी है, इसका लोकेशन जो है नियरेस्ट लोकेशन अशरफी हॉस्पिटल या फिर नियर बिरसा मुंडा पार्क, बिरसा मुंडा पार्क। हाँ, so हवाई अड्डा के पीछे में, धनबाद हवाई अड्डा के पीछे में है। हाँ, बिरसा मुंडा पार्क है, बस उसी से 10 कदम आगे है ऑटो कोजेंट। सो गाइज इस जगह का जो है गूगल मैप वगैरह सब कुछ मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कीजिए, इस जगह का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, लेकिन कॉलिंग करने का जो टाइम होगा वो होगा सुबह, ऑफिशियल टाइम बेटर होगा 10 से लेकर, क्योंकि इंक्वायरी करना है आपको, और फुल इंक्वायरी तभी मिल सकता है जब आप ऑफिस टाइम में फोन करेंगे। तो 10 माइनर इंक्वायरी के लिए आप ऑफिस क्लोज में भी कर सकते हैं, लेकिन फुल इंक्वायरी के लिए जब ऑफिस ओपन होगा तो सर कॉलिंग टाइम बेहतर होगा। कॉलिंग टाइम क्या होगा? कॉलिंग टाइम होगा 10 o'clock से एट इवनिंग 7 o'clock 7 PM सॉरी। तो गाइज इस समय पे आप कॉल कीजिए, और यहाँ पे जो है सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इस जगह पे जो है गाइज ऑल टाइम आपको व्हीकल्स मिलेगा, बहुत सारा व्हीकल्स मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इतने सारे व्हीकल्स आपको ऑल टाइम मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताना नीचे कमेंट करके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।